हे गाइस, वेलकम बैक। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क टू बी डन, पर आप कोई भी दिन में ढेले का काम नहीं करके देते? अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज यू विल गेट सम क्लैरिटी कि आपके साथ होता क्यों है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कैप्टन अमित भंडारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेविगेट द शिप ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर समबडी हु इज अ विक्टिम ऑफ अ डेली नॉन प्रोडक्टिव डे, मतलब आपको पता है कि आपके पास इतना कुछ करने के लिए है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए, पर आप पूरा दिन वेस्ट करते हो या आपको लगता है आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, बट यू विल प्रोबेबली लैंड अप जस्ट क्लीनिंग योर टेबल, ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग इन द बालकनी, आयनिंग योर क्लोथ्स, या आप अपनी कबर्ड सुधार रहे हो, या आप कुछ कहीं पे कोना कुछ गंदा है वो साफ़ कर रहे हो। तो इससे आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है पर आपको कर नहीं रहे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड व्हाट द माइंड इज प्लेइंग हियर। ये जो आप एक्शंस कर रहे हो, डू नॉट स्टॉप दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट हो रहा है टू गो एंड डू दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब। क्योंकि ये जब आप इसमें से बेकार पेन फेंक देते हो, या आप ये कोना साफ करते हो, या अपनी डेस्क सुधार देते हो, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड की गंदगी जो है वो साफ कर रहा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल गंदगी नहीं है, बाहर की गंदगी नहीं है। सो अलाउ दिस टू हैपन, एंड इसके कारण आप एक फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ एक सेकेंडरी फ्रस्ट्रेशन मत क्रिएट करो, जस्ट लाइक अ सेकेंडरी एंगर। आपको ये समझना है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू क्लियर योर माइंड बाय क्लियरिंग योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, देन प्लीज इंजॉय दैट। यू मे ट्राई टू गेट अ लिटिल कंट्रोल ऑन व्हाट यू आर डूइंग। मतलब अगर आप 5 घंटे से सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हो, एंड मे बी अलाउ दैट टू हैपन। दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द माइंड इन ऑर्डर टू गेट रेडी फॉर समथिंग बिगर। Also remember, mind always looks for shortcuts. मतलब अगर एक short gratification बोलते हैं, जैसे अगर आपको आज आइसक्रीम खाने जाना है या आपका मन कर रहा है, पर आइसक्रीम की जगह आपने फ्रिज खोल के या अपने ड्रॉअर में से एक एक्लेयर चॉकलेट निकाल ली, वो एक्लेयर चॉकलेट इज अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आपका माइंड सेटिस्फाई हो रहा है कि मुझे वो आइसक्रीम खाने के लिए इतनी अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गई है, मुझे इंस्टेंटली वो मिल गया है जो मैं सोच रहा था मुझे शायद चाहिए। पर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस इज लाइक इंस्टाग्राम रील्स, जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, जो आप देखते जा रहे हो और उसी चक्कर में आप घंटों घंटों निकाल रहे हो। So don't do that, identify it and then cut those instant gratifications, and अपनी टेबल क्लीन करनी है तो उसको कर लो, अपना थोड़ा सा पेन वेन फेंकने हैं तो फेंक लो, पर identify करो कि पहले मैं ये काम करूँगा और 15 मिनट बाद मैं अपनी मेन पढ़ाई शुरू करूँगा, या आई एम गोइंग टू गेट डाउन टू माई मेजर जॉब, वट एवर दैट मे बी। I hope this video has been of value. If it is, then give it a like, and I'll see you again through the next video. This is Captain Amit Bhandari signing off.